हेलो एचएसबीटी के सभी स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सलूशन अगर आप लोगों को कॉलेज स्टाफ के थ्रू या फिर अगर आपके एफर्ट से नहीं पता चलता है तो इसी वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहाँ आप सभी बच्चे अपनी सारी प्रॉब्लम मेरे तक शेयर कर सकते हो और उससे रिलेटेड जो भी सलूशन होगा मैं सभी बच्चों तक रखने की कोशिश करूंगा। और जो भी स्टूडेंट एचएसबीटी के पहली बार इस वीडियोस को देख रहे हो या इस चैनल पे पहली बार आए हो, तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपके पेपर से रिलेटेड, आपके पेपर पैटर्न को लेके आपके ए टू जेड अपडेट, ऐसा कोई अपडेट नहीं होगा जो आप सभी बच्चों तक आपके कॉलेज से पहले पहुंचाने का मैं काम करूंगा। आप लोग पहले प्रीवियस अपडेट देख ले, जैसे कॉलेज रीओपनिंग डेट को लेके सारा कुछ। अब इससे पिछले वाली वीडियो में जैसे कि मैंने कहा था आप लोगों को एक गुड न्यूज़ दूंगा, तो उसमें सबसे पहले तो सभी बच्चों ने जिस अकॉर्डिंग सपोर्ट किया या मेरी बातों को माना, बाबू सबसे पहले तो आप सभी बच्चे को दिल से मैं कहता हूँ एकदम बाबू एकदम तहे दिल से धन्यवाद बाबू, जो तुम लोग मेरी बात को इतना मानते हो और इतना सुनते हो। तब कुछ लोग कहते हैं जो अब कोई यूट्यूबर है बच्चों का साथ नहीं दे रहा, या बोर्ड को भी लगता है बच्चों को भड़काने का काम किया जा रहा है, और साथ साथ कुछ काफ़ी लोग ऐसे जो कहते हैं जो भाई क्यों बच्चों के पास पढ़ते हो, इससे अच्छा जैसा काम धंधा आपको ऑफलाइन ट्यूशन चल रहा है चल। अब जाके लगता है जो भाई मैं जो बच्चों का सपोर्ट कर रहा हूँ ना, कहीं ना कहीं ऐसा है जो बच्चे मेरी बात को मानते हैं या मेरे अकॉर्डिंग दिखाए हुए रास्ते पे चलते हैं। मैं इस बात को लेके काफ़ी प्राउड फील कर रहा हूँ बाबू 100%। मैंने देखा मेरे पास कम से कम 10 ग्रुप है जो व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चे मेरे साथ ज्वाइन है, टेलीग्राम ग्रुप पे देखा सारे बच्चे बस इतना कह रहे हैं 1000 लाइक कंप्लीट कर दो, कंप्लीट कर दो, कंप्लीट कर दो। मैं लास्ट में आप लोगों के पास लाइक कंप्लीट हो या ना हो लेकिन बाबू अपडेट देने आया हूँ, इसलिए आप लोग कंप्लीटली देखो और इस पर भी लाइक करो और अधिक से अधिक शेयर करो। एक बच्चा भी जस्ट मैं जब वीडियोज अपलोड करने से पहले मैंने कॉमेंट देखा, जिस कॉमेंट में ये कह रहा है सर अगर न्यूज़ अच्छा नहीं होगा तो हम डिसलाइक कर देंगे। बेटा मेरे मैं कोई भी न्यूज अच्छा ही देता हूं, मैं आज तक कभी गलत न्यूज दिया हूं। वो कहता है सर ऐसा न्यूज दे दो जिससे हम खुश हो जाए, खुश होने का मतलब जो तुम कहना ये चाहते हो। मैं कह दूं बच्चे सब प्रमोट हो गए हो, अब किसी बच्चे का डिप्लोमा का पेपर नहीं होगा, सभी बच्चों की डीएमसी घर पर चली जाएगी, ये ऐसा कोई न्यूज नहीं है। कंप्लीटली चीजों को देखो और समझो, लेकिन बाबू जो भी बोल मजे की न्यूज है, ये बात तो मैं बताना चाहता हूं, बिल्कुल मजे की। कंप्लीटली देखो, आज से 2 दिन पहले आपने देखा होगा, कल या परसों की बात है, मैं कह रहा था जो बाबू आप एचएसबीटी वाले को अभी डंडा या उंगल मत करो, मैं कह रहा था इसी का रीजन है अभी तक सारा कुछ हो। आज तक आप लोग बताओ क्या हमने सोचा था जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चों का असेसमेंट ऑनलाइन होगा, कभी नहीं सोचा था। क्या हमने सोचा था जो आपके सारे प्रैक्टिकल ऑनलाइन होंगे, कभी नहीं सोचा था। क्या हमने सोचा था जो मोड कॉलेज पर डिपेंड होगा, कभी नहीं सोचा। टाइम के साथ सारा कुछ ठीक हो रहा है ना। अभी जो अभी देखो एक बात बता रहा, जो अभी जो खुशी मिल रही है ना पहले उसे लपेटो, और फ्यूचर वाली जो खुशी है उसकी तैयारी में हम लोग लगे ही है। मैं आप लोगों को शुरुआत से कह रहा हूं बच्चे 10 फरवरी तक जी जान लगा के पढ़ो, जो भी होगा 10 फरवरी के बाद करेंगे, उससे पहले साइलेंट मूड से तैयारी करो, बोर्ड वाले को ज्यादा परेशान मत करो। जो चीजें हमने 2 बार सीखा है अगर फिर उसे रिवाइज करेंगे तो समझ जाओ इससे हमारी बेवकूफी से, ये होशियारी नहीं इसे कहेंगे बेवकूफी। तो कुछ चीजों को सीखो। अब जैसे इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा मैंने 2 सेमेस्टर आपका सपोर्ट किया, सारे बच्चे बताए यस या नो, किया ना बेटा, तुम्हारी वजह से ही मैं कोर्ट गया, कोई मेरा मामला तो नहीं था ना जिस वजह से मैं कोर्ट गया, आपके सपोर्ट की वजह से। अभी भी लोग कहते यार कोई भी कितना कुछ कह दे, काफी लोगों ने मुझे अच्छे अच्छे ऑफर दिए, इस कॉलेज में आ जाओ जी, प्राइवेट की बात कर रहा हूं लेकिन बच्चों के खिलाफ आवाज मत उठाओ, मैं कॉलेज का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन मैं शुरुआत से लगा रहा। आज आपका सपोर्ट जो है ना, उस सपोर्ट की वजह से मैं एचएसबीटी के बच्चों की वजह से किसी से लड़ जाता हूं, किसी से झगड़ जाता हूं, किसी को कुछ कह देता हूं, यही सारा सपोर्ट चाहिए। बस मैं सभी बच्चों से हाथ जोड़ के कहूंगा बाबू ऐसे सपोर्ट करो और 100% मैं आपके साथ हूं। बस 10 तारीख तक आप लोग आंख बंद करके बेटा एकदम सब कुछ दिमाग से निकालो, प्रमोशन निकालो ऑनलाइन, निकालो प्रमोशन निकालो ऑनलाइन, बस तैयारी करो। 10 तारीख के बाद जो कंडीशन होगा, मैं बैठा हूं ना, मैं साथ तो नहीं छोड़ा ना। कुछ लोग कह रहे हैं साथ छोड़ दे, बोलो भाई तुम ही साथ दे दो, अगर कुछ हो जाता है बालबा का कर लेते हो तो कर लो, घबराओ मत, चिल होके सारे बच्चे तैयारी करो। और सिविल ब्रांच के जो बच्चे हो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो 3rd और 5th सेमेस्टर के या कंपार्टमेंट वाले बच्चे, एक वीडियो मैंने क्रैश कोर्स से रिलेटेड डाला है उसे कंप्लीटली देखो आज ही की वीडियो, और जिन बच्चों का एडमिशन लेना है आप लोग लो। अब बात है, काफी बच्चे बोलेंगे सर गुड न्यूज क्या है, आप लोग दिमाग में चल रहा है अगर मैं नहीं दूंगा तो मुझे पता है बच्चे मुझे परेशान कर देंगे सर आप ऐसा वैसा दिस डैट, बट बच्चे कंडीशन को समझो। पहली बात क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो
टाइम जो है ना अभी आप लोगों के साथ है, अभी तक आपके साथ है, लेकिन आगे का मुझे नहीं पता। अब बोलोगे सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो, तो बात को समझे। सबसे पहली बात तो जैसे कि हमें पता था, जो फर्स्ट ईयर की बात मैं कर रहा हूं, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हो वो इस वीडियोस को कंप्लीटली देखो बाबू, आपसे रिलेटेड तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, जितना ये गुड न्यूज ना हमारे थर्ड सेमेस्टर वाले और फिफ्थ सेमेस्टर वाले कंपार्टमेंट वाले या मर्सी चांस वाले के लिए नहीं, उससे ज्यादा गुड न्यूज ये आपके लिए, इसलिए आप लोग इसे कंप्लीटली देखो। बात क्या है, जो फर्स्ट ईयर का जो सेकंड असेसमेंट जो है ना बाबू, सेकंड असेसमेंट का मोड आपका हो गया है ऑनलाइन, क्लियर समझो। मतलब जिन भी बच्चों की सेकेंड, अगर फर्स्ट ईयर में कंपार्टमेंट है, आप उन सभी बच्चों की अगर फर्स्ट ईयर में कंपार्टमेंट है तो आपका सेकेंड असेसमेंट का मोड क्या होगा, ऑनलाइन होगा। आपके प्रैक्टिकल का मोड क्या होगा, ऑनलाइन होगा। बोलोगे सर आप इतने कॉन्फिडेंस में क्यों कह रहे हो, तो बेटा मेरी एक बात सुनो, बोर्ड ने क्लियर कह रखा है जो आप जो असेसमेंट है वो टाइम पे कंडक्ट करवाओ, मतलब 31 तारीख से कंडक्ट करवाओ जी, चलो हम लोग तैयार है। अब आज का नोटिस क्या आया है, जो कॉलेज 1 फरवरी से पहले खुलेगा नहीं, जब 1 फरवरी से पहले नहीं खुलेगा तो काफी मैंने कॉलेज वालों के, मैं उन सभी टीचरों को भाई दिल से धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने बच्चों के बारे में समझा और सेकंड असेसमेंट का मोड ऑनलाइन दिया है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसके कॉलेज वाले अगर ऑफलाइन मोड में अगर असेसमेंट ले, मेरा नंबर आप लोगों के पास है, एक बार कॉल कर देना, इसी सपोर्ट की वजह से आप लोगों के लिए लड़ने को तैयार हूं यार, क्या कर लेंगे बोर्ड वाले, जाओ भाई कोर्ट कचहरी हमने भी देख रखी है। तो ये सारा मामला है। अब नेक्स्ट क्या है, बच्चे बोलेंगे सर इसमें गुड न्यूज क्या है, कंपार्टमेंट वाले अब वो मेरे को अंदर ही अंदर बोलेंगे सर आपने तो हमसे मजे ले लिए। बेटा मजे नहीं लिया, टाइम को समझ, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, टाइम को समझ। पहला न्यूज आया आपके प्रैक्टिकल ऑनलाइन होंगे, चलो भाई खुश की बात है, प्रैक्टिकल ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में हो सकते हैं, बट ज्यादा चांसेस ऑनलाइन ऑफलाइन ब्लेंडेड मोड का। बोलोगे कैसे, क्योंकि गवर्नमेंट ने बच्चों को कंपलसरी नहीं किया है कॉलेज आने के लिए, मेरी बात को समझा, बच्चों के मूड पे है। अरे भाई हमारे मूड पे हम कॉलेज ना जाए भाई, हम ऑनलाइन क्लासेस ले, जब ऑनलाइन क्लासेस लेंगे तो टाइम से प्रैक्टिकल लेने का मतलब प्रैक्टिकल भी कैसे होगा, ऑनलाइन होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर, सारे बच्चे बोलो यस या नो। सेकंड टॉपिक ये है, जो सर अभी तक देखो बाबू टाइम आपके साथ इसलिए है, तुम लोग गोल्डन गुड न्यूज, बेटा छोटी छोटी खुशियां बांटो, छोटी छोटी चीजों से खुश रहा करो। अभी देखो गर्लफ्रेंड बनी नहीं तुम्हारी और तुम लोग सोचते मुन्ना हो गया मुन्नी, बात को समझो। मतलब मेरा कहना क्या है, पहले जो चीज है पहले उसके साथ खुशी मनाओ, बात की बात आगे देखेंगे जी, पहले जो अभी खुशी मिला है उसको खुशी के साथ इंजॉय करो। और आज का कोई काम देखो, मैं तुम्हें हर बार कहता हूं और ये बात मेरे से सीखो बेटा, आज का किया हुआ ना जो भी आप करोगे उसका फल कल मिलेगा, और आज को आज में जियो और कल के लिए मेहनत करो, ये बात हमेशा याद रखना। आज को आज की तरह जियो, आज इस बात का खुशी मनाओ जो हमारे प्रैक्टिकल ऑनलाइन होंगे, आज इस बात को लेके खुशी मनाओ जो हमारे कॉलेज खुले, जिन बच्चों का मन है ऑफलाइन पे क्लास लेने ऑफलाइन क्लासेस, जिनका मन नहीं है वो ऑनलाइन घर पे बैठ के क्लासेस ले, छोटी छोटी खुशियों से आगे बढ़ो। तुम चाहते हो एकदम ही नोटिस आ जाए भाई प्रमोशन का, ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटी अभी। तो रही बात आई होप, अब तुम बोलोगे सर आपने एग्जांपल इतना अच्छा क्यों दिया, और काफी पेरेंट्स भी हमारे वीडियोस को देखते हैं तो मैं उन लोगों को भी सॉरी कहना चाहता हूं, बच्चे थोड़े नाजुक दिमाग के होते हैं, उनको थोड़ा समझाने के लिए चीजें। अब मान लो एग्जांपल इसलिए मैंने इतना अच्छा दिया, पापू पहले गर्लफ्रेंड बनाओ तब तो मुन्ना मुन्नी के बारे में सोचना, गर्लफ्रेंड बनाने का मतलब प्रैक्टिकल तो दो, पहले प्रैक्टिकल दो, सेशनल दो, उसके बाद प्रैक्टिकल फाइनल पेपर का देखना, नहीं पहले सोच के बैठे जो अगर मेरी गर्लफ्रेंड ये वो फिर मुन्ना कैसा होगा मुन्नी का, ये चीजें निकाल लो, छोटी छोटी खुशियों से आगे बढ़े, फिर देखो लाइफ जीने का क्या मजा है। ठीक है, रही बात सर एग्जाम मोड में चेंजेस, बाबू देख मेरे याद रख लो सारे बच्चे, एग्जाम मोड जो आपका सेशनल का है मतलब सेकंड असेसमेंट का कल तक था क्लियर, जो भाई ऑफलाइन होगा, मैं खुद कंफ्यूज था जी ऑफलाइन लेंगे या ऑनलाइन लेंगे, लेकिन आज बिल्कुल क्लियर हो गया, जो सेकंड असेसमेंट के जो पेपर है वो ऑनलाइन मोड में ही करवाए जाएंगे और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। काफी कॉलेज के मैंने आपके डेट शीट भी देख ली और मैं उन सभी कॉलेज वालों का दिल से धन्यवाद करता हूं जो आपने फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर सेशनल असेसमेंट का जो मोड है वो आपने क्या रखा है, ऑनलाइन रखा है। और रही बात प्रैक्टिकल का मोड क्या है बच्चे, ऑनलाइन अपने मूड पे, अपने मूड पे, लेकिन फाइनल पेपर का अभी डिसीजन है। पहले मैंने कहा खुशियां धीरे धीरे लो, फिर एंजॉय आता है लाइफ का, मजे करो, बस बस इतना कहना चाहता हूं। थर्ड रहा सर असेसमेंट एग्जाम मोड, बाबू असेसमेंट एग्जाम मोड ऑनलाइन है, ये न्यूज पता है, एक बात बताओ पक्का मैं कहता हूं, जो थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे होंगे ना, जो फर्स्ट फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चे होंगे ना, या जो कंपार्टमेंट वाले मर्सी वाले इस वीडियोज को देख रहे होंगे ना, पक्का बोलेंगे सर आपने हमारे साथ धोखा कर दिया, शायद ये न्यूज आप ऐसा देते हो जो बच्चे तुम लोग प्रमोट हो गए या ऑनलाइन हो गए तो आज मजा आ जाता
रहा था, काफी बच्चे बोतल खोल के बैठते हैं मर्सी वाले, काफी बच्चे अपना मिठाइयां बांटते, अरे वो भाई साहब प्रमोट हो गया। लेकिन यहाँ तो आपने खुशखबरी दे दिया फर्स्ट ईयर वालों का, तब हमें क्यों कहा था जो सर आप खुश। बाबू टाइम मैं बताना चाह रहा हूँ, देखो बोर्ड अपने अकॉर्डिंग अभी तक ठीक कर रहा है, अभी तक ठीक करने का मतलब है अभी तक हम शांत बैठे। 10 तारीख तक अगर हम शांत बैठे क्या पता बोर्ड कोई अच्छा न्यूज दे दे। बेटा इसलिए तो कह रहा हूं तुम लोग 10 तारीख तक पढ़ो आंख बंद करके, बोर्ड के सेक्रेटरी सर या कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को 10 दिन का टाइम दो, नहीं तो फिर हम करेंगे भाई जो हमें करना है। तो इसलिए मैं सभी बच्चों को कहता हूं टाइम को देखो भाई। प्रैक्टिकल अब पिछली बार पता है प्रैक्टिकल इन्होंने ऑफलाइन कर दिया था, जाके देखना, इन्होंने पिछली बार असेसमेंट ऑफलाइन कर दिए थे, जाके देखो। लेकिन अब की बार बोर्ड खुद सारा कुछ ऑनलाइन किया जा रहा है, क्या पता एग्जाम भी ऑनलाइन कर दे, किसी ने देखा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं 10 तारीख तक सभी बच्चों को पढ़ना, 90% कंफर्म हो जाओ पेपर ऑफलाइन होगा, लेकिन 10% इस उम्मीद में रहो जो ये चीजें देख के। तो टाइम का कोई भरोसा, मैं रोज कहता हूँ कल क्या होगा वो हमें आज नहीं पता, लेकिन आज को आज की तरह जियो और कल के लिए मेहनत करो। मजा आए नहीं आए सारे बच्चे बताएंगे हो, और अधिक से अधिक वीडियोस को शेयर करो। और फर्स्ट ईयर वाले आप तो हर ग्रुप में डाल देना, अगर कोई कॉलेज सेकंड असेसमेंट पेपर ऑफलाइन लेता है तो कॉल मुझे करना। बोलो क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे सबको इक्वल अधिकार है। अगर 50% कॉलेज अगर कहता भाई मैं ऑनलाइन करवाऊंगा तो 50% क्यों नहीं करवाएंगे जी? मतलब वो 50% बच्चे और हम तो बच्चे ही नहीं। एक कहावत नहीं है वो कुत्ता वाला, क्या मैं तो मुझे कहावत भी नहीं आता बच्चे, क्या बताऊं मैं तुम्हें, पढ़ाई के अलावा जिंदगी में बस कुछ किया ही क्या। चलो आओ मोड कॉलेज पे डिपेंड। देख बाबू जो फर्स्ट असेसमेंट है सभी बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ, जो सेकंड असेसमेंट है ये कॉलेज पे डिपेंड है। लेकिन कॉलेज पे डिपेंड क्यों है जी? 31 जनवरी से आप लोगों को पेपर लेना है और 1 तारीख तक तो हमारे कॉलेज नहीं खुलेंगे। तो आप टाइम पे लोगे या अपना रूल रेगुलेशन बताओगे जी ये बताओ? तो इट मीन्स आप टाइम पे लोगे, और टाइम पे लेने का मतलब हम सभी के पेपर ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो सारे बच्चे खुश हो। अब नेक्स्ट टॉपिक रहा सर गुड न्यूज, इसमें क्या है? फिर मैंने बताया टाइम के साथ चलो, मतलब क्या है मेरा, जो बेटे 10 फरवरी तक मैं सभी बच्चों से हाथ जोड़ता हूं, अगर मेरी बात को लगा हो आप लोग, अगर इस उम्मीद में बैठे थे जो सर की शादी का कार्ड मिलेगा या हमें प्रमोशन का नोटिस मिलेगा या हमें ऑनलाइन पेपर का नोटिस मिलेगा, अगर तुम लोग इस सोच में थे तो बच्चे मैं सॉरी कहता हूँ, दिल से सॉरी कहता हूँ, एकदम गलती हो गई माफ कर दो। लेकिन मैं टाइम बताना चाह रहा हूँ जो तुम लोग कोई ऐसा हरकत ना कर दो जो जिससे हमारे पे बात आ जाए, मतलब कुछ गलत घटना घटित हो जाए, बस मैं इसी बात का रिक्वेस्ट करता हूँ। क्यों? मैंने 2 गलतियों से एक चीज सीखा है जो पहले ना, अब देखो बाबू 2 गलतियां हमने किया कि पहले बोर्ड को डंडा डालते थे, अंडरसेंट कहते थे, ये करते थे वो करते थे, इसका फल हमें नहीं मिला। लेकिन क्या पता एक बार शांति से अगर हम लड़ाई को लड़े तो क्या पता जीत जाए भाई, ये भी तो हो सकता है। तो हम अपनी बात आपके सेक्रेटरी सर तक, हम आपकी बात कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन तक रख रहे हैं 10 तारीख तक। अगर 10 तारीख को कोई निर्णय लेते हैं ये 10 तारीख से पहले तो ठीक है, वरना हमारे कमांडो इज रेडी फॉर ऑपरेशन एग्जाम। आप लोग बस अभी तैयारी में लगे रहो 10 तारीख से। 10 तारीख तक अगर कोई डिसीजन हमारे अच्छे रिलेटेड नहीं आया देन 10 तारीख के बाद मैं मना नहीं करूंगा। तो मैं जो मर्जी हो जहां मर्जी हो करना, जहां मामला फंसे मुझे बोल लेना, ठीक है? तो ये सारा अपडेट है। तो आई होप सारे बच्चे, अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो, मैंने पिछली वाली वीडियो में कहा हो गुड न्यूज, और आप लोग अगर इस उम्मीद में बैठे थे जो कार्ड मिलेगा, या फिर काफी बच्चे इस उम्मीद में थे ऑनलाइन पेपर का नोटिस मिलेगा या प्रमोशन का नोटिस मिलेगा, तो बच्चे मैं सॉरी कहता हूं बाबू, माफ कर दो मुझे। लेकिन मैं टाइम सिखाने आया, टाइम को देखो, टाइम से कुछ चीजें सीखो, बस मैं इतना ही कह रहा हूं। और फर्स्ट ईयर वाले सारे बच्चे ग्रुप में शेयर कर दो, आप लोगों के सेकंड असेसमेंट ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवाए जाएंगे। और जो मेरे 3rd और 5th सेमेस्टर के बच्चे हैं आप लोगों के लिए भी गुड न्यूज, कैसे नहीं है भाई, आपके प्रैक्टिकल ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होंगे, पेपर ही तो बचा है, वो भी देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलो स्टूडेंट, वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना। बता रहा हूँ HSBT वाले बच्चे, समझो ऐसे नहीं सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन बाबू आप कहने की जरूरत नहीं है, आज देख लिया मैंने तुम लोगों का सपोर्ट। ऐसे थोड़ी ना बोर्ड कहता है हाँ भाई ये कर रहे हो, बोर्ड आके दिल में देखे, मेरे अंदर वाले दिल से बच्चों के बारे में सोचता हूँ जो भाई क्या होगा बच्चों का, कैसे भला हो, इसलिए तो शांत बैठा, वरना अभी तक तो डंडा डाल देता, सच्चाई यही है, ठीक है? तो चलो स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली वीडियोस, अगले टॉपिक और अगले क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियोस अब कल आएगी, अब कोई गुड न्यूज नहीं है, कल मिलना नई नोटिस के साथ। बाय।